हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीओके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बन रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि रिसेंटली काफ़ी सारे मैच भी हो गए हैं, जहाँ पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 37वें मैच में, जो कि दो वीक टीम्स की टक्कर होने वाली है। दोनों लगातार मैच भी हार कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ सैम करन की पंजाब किंग्स है, तो वहीं दूसरी तरफ हमें शुभम गिल की गुजरात टाइटंस है। इन दोनों की टक्कर हमेशा रोमांचक होती है। यह मैच 21 अप्रैल को चंडीगढ़ के MYS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एक नया स्टेडियम है, यह पंजाब किंग्स का न्यू होम ग्राउंड भी है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें से पंजाब 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे गुजरात 1 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे यहाँ के बीच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है, पिच पर अत्यधिक उछाल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ एवरेज स्कोर 170 के है। वहीं लास्ट के में, जहाँ पे मुंबई ने यहाँ टारगेट डिफेंड किया था, टॉस जीत के टीम यहाँ पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 63% रहेगा और टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 25% जीतने का चांस है, तो भी बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 75% जीतने का चांस है। अब अगर बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 173 है, वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 172 है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे गुजरात का परफॉर्मेंस इस साल अब तक अप एंड डाउन वाला हो रहा है। टीम ने एक मैच जीतती है तो वहीं अगला मैच हार जाती है। टीम में कंसिस्टेंसी की कमी साफ दिखाई पड़ती है। टीम ने 7 मैच खेलकर बस 3 ही मैच जीता और 4 हारा। लास्ट के में टीम को दिल्ली से हार मिली थी। टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है। टीम की बैटिंग में डेप्थ नहीं दिख रही है। लास्ट गेम में पूरी तरह 89 पे ही ऑल आउट हो गई थी। ये IPL का लोएस्ट स्कोर भी है। यहाँ पे शुभम गिल, साई सुदर्शन, जो कि लगातार रन भी बना रहे। यहाँ पर रिद्धिमान शाह को लास्ट गेम में ओपनिंग में चांस मिला, लेकिन वो फ्लॉप हो गए थे। यहाँ पे डेविड मिलर, जो चोट के बाद कमबैक किया। नंबर 5 में जहाँ पे अभिनव मनोहर को चांस मिला था। मिडल ऑर्डर में जहाँ विजय शंकर और राहुल तेवतिया अब तक मैच फिनिश नहीं कर पा रहे, वहीं पर लो ऑर्डर में जहाँ पर शाहरुख खान और राशिद खान खेल रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग की बात करें, जो टीम 3 विदेशी बॉलर्स के साथ खेल रही है, जिसमें स्पेंसर जॉनसन, जो कि अफगानिस्तान के नूर अहमद किफ़ायती गेंदबाज कर रहे हैं। यहाँ पर उमेश यादव को ड्रॉप करके संदीप वॉरियर को चांस मिला था। वहीं पर मोहित शर्मा टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल है, अभिनव मनोहर है, विजय शंकर है, साई सुदर्शन है, डेविड मिलर है, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा और संदीप वॉरियर। अब बात करते हैं इनके इंपैक्ट प्लेयर देखते हैं, जो कि दर्शन नलकंड है, जयदेव उनागट है, उमेश यादव है, केन विलियम्सन है और शाहरुख खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है और मोहित शर्मा है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर टीम अब तक टूर्नामेंट में डिसअपॉइंटेड वाला परफॉर्मेंस करके आ रही है। टीम के ओपनिंग में जहाँ पे बैटर्स को सबको निराश किया, टीम की नज़दीकी मुकाबलों में मैच फिनिश नहीं कर पा रही है। हर गेम में टीम नज़दीकी अंतर से हार रही है। टीम अब तक 7 मैच खेले, जिसमें 2 ही मैच जीत पाई। लास्ट गेम में जहाँ पर टीम मुंबई के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में हार गई थी। टीम के कप्तान जहाँ पर शिखर धवन चोट के चलते अगले कुछ मैचों से बाहर हो गए, उनके जगह सैम करन की कप्तानी करने के लिए मिला। वही टीम रही प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं कर पा रही है। टीम के फॉर्मर प्लेयर जो अब तक पूरी तरह फ्लॉप चल रहे हैं, जहाँ पे लास्ट के में ब्रेस्टो को ड्रॉप कर रिली रोसो को लिया गया था, लेकिन वो भी फ्लॉप चले गए हैं। टीम के लिए ओपनिंग में जहाँ पे सैम करन, प्रभ सिमरन सिंह, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रेस्टो इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं। जहाँ पे लाइम लिविंगस्टोन और जितेश शर्मा भी इस साल अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। टीम के लिए बस 2 ही प्लेयर रन बनाए, जहाँ पर शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा की जोड़ी लगातार रन बना रही है। हर मैच में दोनों टीम जीत के नज़दीक लेकर जा रही है। आशुतोष ने लास्ट गेम में 28 बॉल में 61 रन बनाए थे। वहीं बॉलर्स में सभी बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। टीम के 4 बॉलर्स जो कि अब तक 9+ विकेट ले चुके हैं, जहाँ पर हर्षल पटेल जो कि लास्ट गेम में 3 विकेट लिए थे, वहीं पर कशिगो रवा जो कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, उन्होंने अब तक 10 विकेट लिए हैं। जहाँ पर इंडियन पेसर हरदीप सिंह जो टीम को ब्रेक थ्रू दिला सकते हैं। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर हरप्रीत बुमराह को मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं पंजाब का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि रिली रोसो है, प्रभ सिमरन सिंह है, आशुतोष शर्मा, जितेश शर्मा, लाइम लिविंगस्टोन है, सैम करन है, शशांक सिंह है, हरप्रीत बुमराह है, हर्षल पटेल है,
अर्शदीप सिंह है, कशी को रवा रहा हूँ। यहाँ अगर बैक प्लेयर में बात करेंगे जो कि नाथन इलियस है, शिवम सिंह है, ऋषि धवन है, हरप्रीत बराड़ है, राहुल चरण है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि शशांक सिंह है, सैम करण है और कशी को रवा रहा है। तो दोस्तों फाइनली हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर पंजाब किंग्स होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर गुजरात टाइटंस होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।